मैं समझता हूं कि जिस तरीके का एक इतिहास पूरे देशभर में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है, आज उसी की शुरुआत हेतु और मेरा मानना है कि आज जम्मू पूंछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक जो शुरुआत इलेक्शन की शुरुआत है, आज हमने जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ा ऑफिस खोल के की है। मैं इस सबके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके का नेतृत्व और जिस तरीके से लोग देश में प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपने आप में एक उदाहरण है हम सबको। और जिस तरीके से एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना है, जिस तरीके के डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर हमारे जो पिछले तीनों मेंबर पार्लियामेंट से उन्होंने लगातार से विकास के कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार के समय में भी जम्मू में जिस तरीके के डेवलपमेंट के कार्य हमारे विधायकों ने किए हैं, जिसके चलते सामने दिख रहा है कि तीनों सीटों के साथ साथ और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार मुख्यतः रूप से खाता खोलेगी। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं उस कार्यालय के लिए और उनसे आह्वान भी करना चाहता हूं कि लगभग एक महीने का समय हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला है, पूरा एक महीने के बाद 11 तारीख को यहां चुनाव होगा। जिस तरीके का एक वातावरण पिछली बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना था, 2 लाख से भी ऊपर की विजय हुई थी, हम सब मिलकर ये प्रयास करें, ये कोशिश करें कि इस बार का जो विजयी लक्ष्य है वो कम से कम डबल हो, 4 लाख हो। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जय भारत, जय हिंद। अब मैं आदमी विजय किशोर शर्मा जी जो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संवेदन करूंगा कि कुछ सांसद रखें। बोलो भारत माता की। साथियों, आज के इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी और संगठन महामंत्री अशोक कौल जी और अन्य जो मंच पर सारे नेतागण जो बैठे हुए हैं और विशेष तौर पर आप कार्यकर्ता जो आज इस शुभ अवसर पर जम्मू पूंछ के इस इलेक्शन को लेकर जो ऑफिस जहां पर खोला गया उसके शुभारंभ के शुभ अवसर पर जहां पर आए हैं, आप सबको आने वाली इलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। और आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और आने वाले दिनों में इलेक्शन के क्या रिजल्ट होंगे। वैसे तो पूरे देश में आज इलेक्शन का बहुत अच्छा वातावरण जो है वो बना हुआ है, लेकिन विशेष तौर पर जो जम्मू हमारा है, जम्मू कश्मीर की 3 विधानसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख, उधमपुर और जम्मू में बहुत ही अच्छा वातावरण है। ये सब आप लोगों के, आप कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो वातावरण बना है कि आज तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जा रही है। आज के शुभ मौके पर मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको यही कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है लेकिन जितना भी है वो बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा काम करना है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कौन से बूथ पर काम करूंगा, मैं कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दूंगा। जो ऊपर से कार्यक्रम मिलेंगे उनको तो हमने काम जॉब करना ही है, लेकिन अपने जिम्मेवारी को निभाते भी हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जुट जाना है। इतना ही संदेश देते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फोरम में मुख्यमंत्री रहे श्री कविंद्र गुप्ता से अनुरोध करता हूँ दो शब्दों सेरेमनी में हमारे रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट किशोर शर्मा जी, श्रीमान अशोक कौल जी, अशोक शर्मा जी, राजेश जी, विक्रम दादा जी, युद्ध सेठी जी, यहाँ पर सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, आगाज अच्छा है अंजाम भी अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस सीट पर काबिज है और आने वाले दिनों में फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा इस पर रहेगा, ऐसा ये तय है। लेकिन हर कार्यकर्ता को ये जरूरत है
कि अपने आप को ही कैंडिडेट समझ करके काम करें और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही जो कार्यक्रम प्रदेश में देश में चल रहे हैं, चाहे वो मेरा परिवार भाजपा परिवार हो, चाहे वो रैलीज हो, पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम हो, और इस सारे माहौल में मुझे लगता है कि मिलजुल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आओ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के एक महीना ये जो समय रह गया है इसमें अपनी योग्यता का परिचय दें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बनानी है तकदीर, खुद अपने हाथों से खुद अपने वक्त के परिवर्तिकार हैं हम। इस प्रकार की सोच लेकर के और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र रैनक से अनुरोध करूंगा कि आए और सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की जय। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच हमारे सांसद आदरणीय जुगल किशोर जी, कविंदर गुप्ता जी, सत शर्मा साहब, राजेश जी, अशोक कौल जी, विक्रम रंधावा जी, युद्धवीर सेठी जी, पूर्णिमा जी, हमारे मेयर साहब, यहाँ आए हुए सभी प्रदेश के जिलों के मंडलों के मोर्चों के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा नमस्कार। मीडिया के भाइयों का भी, बहनों का भी नमस्कार, को भी नमस्कार। साथियों, सबसे पहले हम सबको यह जानकारी है कि दो दिन पूर्व चुनाव आयोग ने पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है और 7 चरणों में पूरे देश में ये चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में भी जो हमारी 6 सीटें हैं वो चुनाव पहले चरण में जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट और बारामूला कुपवाड़ा सीट का चुनाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हम सबके लिए है और आज हमने इन चुनावों की विधिवत कंपेन शुरू कर दी है और कंपेन प्रचार प्रसार का मुख्य जो केंद्र होता है वो कार्यालय होता है और जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट का ये जो लोकसभा हमने चुनावों के मद्देनजर यहाँ बख्शी नगर जम्मू में कार्यालय खोला है। हमें याद है पिछली बार भी इसी स्थान के ऊपर हमने कार्यालय खोला था और ये स्थान हमारे लिए बहुत लकी है और आज एक बार फिर हम इस स्थान पर इकट्ठे हुए। यज्ञ हवन जो हमारी रीति नीति हमारी संस्कृति में आता है, पूजन पाठ करके अपने आराध्य देवों का ध्यान करके हम अपना कार्य शुरू करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है देश समाज धर्म की सेवा करना, देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना और जब भी कोई नेक काम किया जाता है तो सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर उस भगवान का ध्यान किया जाता है। हम अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से भगवान के आशीर्वाद के बाद 2014 में इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और उसका परिणाम सारी दुनिया ने देखा, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार होती, आज पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी गर्व के साथ कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतवासी हूँ। इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को जाता है। हमें अगर 5 साल के इस सारे कार्यकाल में देखें, यहाँ केंद्र सरकार ने, मोदी साहब ने, केंद्रीय हमारे मंत्रियों ने बढ़िया काम किए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट रहे, इन तीनों ने भी एक से बढ़कर एक काम किए। जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट में चाहे हमारे आदरणीय जुगल किशोर जी हैं या डोडा उधमपुर कठुआ सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, ले करगिल सीट से हमारे थुपस्तंग छवान जी रहे, बहुत बेहतरीन लाजवाब काम किए और 1 रुपए का भ्रष्टाचार का कोई आरोप किसी पर नहीं लगा, ईमानदारी के साथ काम किया, देश के लिए काम किया, देश के पार्लियामेंट में
पूरी आवाज सुनाई देती थी। कई बार हमने देखा जुगल किशोर जी को अपने बेसिक मुद्दों के लिए संसद में लड़ते हुए देखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हमने देखा, सही रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ से पिछले बार चुन के भेजी थी, उन्होंने पूरा जस्टिस किया हमारे लोगों के साथ और हमारे मुद्दों के साथ, उन्होंने भरसक प्रयास किया। हमें गर्व है अपने अपने जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, विश्वास है कि हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारे चाहे प्रदेश के हैं, जिलों के हैं, मंडलों के हैं या मोर्चों के कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़कर काम करेंगे। आने वाले 11, आज 12 है, एक महीने से भी कम समय रह गया है, 11 अप्रैल को चुनाव है और यह चुनाव हमने उत्सव की तरह मनाना है और युद्ध की तरह लड़ना है। चुनाव युद्ध की तरह लड़ा जाता है और उत्सव की तरह जश्न मनाया जाता है। जरूर विजय हमारी होगी, लेकिन विजय के लिए हमको पूरी मेहनत करनी है। मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलकर आज से घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पहुंचाएंगे। देश और समाज हित में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से फिर से जम्मू कश्मीर में हम जिताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। और सब कार्यकर्ताओं का यहाँ पे आने पर, इस पूर्ण अवसर पर धन्यवाद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रसाद के रूप में आप सब यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाएं। कृपया आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो जाइए। और ये सारे देखिए न्यूज़ साबन करेंगे बंगी हिलता हिटा यार। कोई गाल नहीं यार, ये ए ए लास्ट का सही है। एक मिनट जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक मिनट की, चलिए जी सर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों का जम्मू कश्मीर में आज से बिगुल बजा दिया है। जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट के कार्यालय जो इलेक्शन ऑफिस होगा जम्मू के बख्शी नगर में, आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों के अंदर प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक गांव गांव में इन कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक गांव घर प्रत्येक व्यक्ति तक जाए और संपर्क अभियान शुरू करके एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर में हमारी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक वोटों से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के चुनावों को हम जीतेंगे। 2014 में हमने 3 लोकसभा की सीटें जीती थी, इस बार यह आंकड़ा 3 से भी पार होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सर, जिस तरह राहुल गांधी ने कल अजहर मसूद को जी करके पुकारा, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है, ये कांग्रेस पार्टी के खून में गद्दारी है। कांग्रेस वाले ओसामा बिन लादेन को जी बोलते हैं, कांग्रेस के लोग अफजल गुरु को जी बोलते हैं और अजहर मसूद जिसने पुलवामा के अंदर आतंकी हमला करा के हमारे सीआरपीएफ के जवानों को शहीद, जिस आतंकी हमले में हो गए, उसका जो सरगना मास्टरमाइंड अजहर मसूद को जी कहने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके मुंह से और उनके नेताओं की ये जो बयानबाजी दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अजहर मसूद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जैश लश्कर और हिजबुल वालों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान वालों की पार्टी है।